रानीबाग बहुत अच्छा हो गया, यहाँ से पूरा खुला दिखता है। ये भी सोया हुआ है, क्लोज है, देखो यहाँ बैरिकेड है और यहाँ पे वो सामने बैठा हुआ है। ये है पेंगुइन्स, मेरे फ्रेंड में एक है सामने। तो हे गाइस, शाम खान योमिया बाय डॉक्टर एडमन, और तकरीबन एक साल बाद मैं इधर विज़िट कर रहा हूँ जो कि है रानीबाग, क्योंकि बहुत लोग का रिकमेंड था कि भाई बहुत से चेंजेस आ गए रानीबाग में, तो प्लीज़ एक रानीबाग में ब्लॉग बनाओ, तो इसलिए मैं आया हूँ। और ये गाड़ी मैंने पीछे पार्क किया है, यहाँ पे कार और बाइक दोनों की फैसिलिटीज़ है पार्किंग की, तो अभी आपको पार्किंग कॉस्ट भी बताता हूँ मैं और अंदर जाके आपको सब चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। और ये मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये म्यूज़ियम है, तो इसके बारे में भी कभी अलग से ब्लॉग बनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल रानीबाग जा रहे हैं, लाइक अंदर जो भी एनिमल्स वगैरह है, जो भी अपडेट हुआ है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या चेंजेस है और क्या नहीं है। ओके, तो चलो। सो ये पीछे जहाँ पे गार्ड बैठे हैं, मतलब पुलिस वाले, तो वहाँ पे आपको पार्किंग रिसिप्ट मिलेगी, और फॉर बाइक इट्स फॉर 5 रुपीज़, तो आपको 5 रुपीज़ लगेगा, देख सकते हो। ये 5 रुपीज़ का टिकट है, पार्किंग टिकट फॉर योर बाइक। कार का मैं पूछूंगा ज़्यादा टाइम, क्योंकि मुझे पता नहीं है, कार के बारे में नहीं पूछा मैंने, क्योंकि कार तो उन्हें लाया नहीं है। तो बैक कैमरा ऑन करके आपको मैं दिखाता हूँ कि पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि मैं, अच्छा है वीकेंड में नहीं आया, वीकेंड में आता ना तो यार बहुत गर्मी होती है, ठीक है? तो ये है म्यूज़ियम, ओके, और पोदार एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, लाइक था स्कूल के बच्चे आए हैं, उनको विज़िट पर लेके आए होंगे और रानीबाग का विज़िट, ठीक है? सो ये म्यूज़ियम के बारे में कभी एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, अंदर क्या है क्या नहीं करके। तो ये एंट्री है रानीबाग की, और टिकट तो यहाँ पे राइट साइड में मिलेगी, तो वहाँ से भी टिकट काउंटर पे आपको टिकट का प्राइस बताता हूँ मैं, ठीक है? ये है टिकट काउंटर, ओके, तो यहाँ पे आपको टिकट्स मिलेगी, देख सकते हो टिकट हाउस रानीबाग का, आपको मैं प्राइस बताता हूँ अभी। देख सकते हो टिकट प्राइस, अडल्ट 50, चाइल्ड 25 एंड फैमिली 100 रुपीज़, और उसमें भी टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ 2 चिल्ड्रेंस का 100 रुपया, ओके। तो हम 2 जन हैं, तो 2 जन का हुआ 100, और ये रही टिकट, देख सकते हो 100 रुपीज़ पर पर्सन, 50 रुपीज़ चाइल्ड 25 था ना, चाइल्ड 25 आधा, ओके। तो अभी हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, एंट्री आपको दिखाता हूँ। ये है एंट्री फॉर रानीबाग, ठीक है? हमने ले लिया एंट्री, और टिकट पता लगाने के लिए ऐसे भी लोग ऐसा फाड़ देते हैं कि हम टिकट दिखा चुके हैं, ये इसका मतलब है। और यहाँ से घुसते साथ आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक राइट और एक लेफ्ट और एक सीधा, तो हम लोग जाएंगे अभी लेफ्ट साइड में, ओके। ये हमने ले लिया है लेफ्ट, और हर बार की तरह ये बार भी यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है, जिसमें आपको पूरा गाइड किया है कि किधर किधर क्या है, तो आप उधर देख सकते हो, ओके। तो ये हम चलते हैं आगे, लेफ्ट साइड में मेरे एंट्री साइड पर ही सामने इधर है कैनॉन, ओके, सिदिस कैनॉन। पीछे तो कैनॉन रखी हुई है नॉर्मल ऐसे देखने के लिए, ओके। अब रहा जाना हमें यहाँ कि कहाँ जाएंगे, हम सीधा जाएंगे, कैमरा शायद बोलता नहीं कुछ भी। सबसे पहला आपको ये दिखेंगे, ये मतलब एलिफेंट, और देखो वो कोने में है, ठीक है? सो देख सकते हो एलिफेंट, सबसे पहले एंट्री भी आपको यहीं मिलेगा, ओके। फिर अभी चलते हैं आगे, और यहाँ पे ना ये कभी भी बाउंड्रीज होती है, इस वजह से ये आगे नहीं आ पाते, वरना अब तक तो बाहर आ गए होते, ओके। चलते हैं अभी थोड़ा आगे और देखते हैं और आगे क्या क्या है। पिछली बार जब एलिफेंट के पास से मैं इधर से सीधा गया था ना, तो अंदर जाने के लिए रास्ता था, लेकिन इस बार ब्लॉक है, और फिर आगे से देखता हूँ कि आगे से जाने का रास्ता है क्या, क्योंकि यहाँ से तो पूरा बंद पड़ा हुआ है। चलते हैं आगे देखते हैं। सो अभी हम आए हैं स्लॉट बेयर के पास, तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे पीछे, आपको बैक कैमरा ऑन करके अभी मैं दिखाता हूँ, ओके। तो वहाँ तो नहीं था, तो थोड़ा आगे आया, क्योंकि पब्लिक जहाँ जमा होती है ना वहीं जाना चाहिए, अभी पब्लिक यहाँ जमा है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, इधर ही दिख रहा है सामने। सो देख सकते हो ये हमारे सामने भाई साहब का इंटरव्यू लेंगे,
देखो यार कितना पास है वो, कितना क्लोज है मेरे उसके नेल्स वगैरह देखो, उसके नेल्स वगैरह देखो, और एक वहाँ है कितना क्लोज है देखो, यहाँ बैरिकेड है और यहाँ पे वो सामने बैठा हुआ है। फर्स्ट टाइम कोई एनिमल इतना क्लियरली सामने आया है, वरना रानी बाग में लोग दूर से दिखते थे। अब ये पूरा ऐसा बना दिया है कांच का, तो उसके हिसाब से ये सामने आ जाते हैं एनिमल्स, बहुत अच्छी बात है, वरना लोग दूर से देख के खुश होकर चले जाते थे, अभी नज़दीक में ऐसा देखने मिलता है। ओके तो चलते अभी आगे, पीछे हमने बियर तो देख लिया, अब देखेंगे द वाइल्ड एनिमल टाइगर। ओके तो देख सकते हो ये टाइगर का टेरिटरी है, बता दिया पहले से कि वाघ टाइगर टेरिटरी, देख सकते हो वाघ टाइगर टेरिटरी। तो अभी टाइगर के पास जाते हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि टाइगर के पास भीड़ नहीं है, फिर ना पिछली बार आया था ना बहुत भीड़ थी, बैक कैमरा ऑन कर दिखा दूँ। तो यहाँ होता है टाइगर, अब देखते हैं, देखो फ्रंट में ही लेटा हुआ है आज, तो क्या बात है यार, आज फ्रंट से देख लो, वरना वो सामने एक बैठा हो रहता है हमेशा, लेकिन आज एकदम फ्रंट में बैठा है। और रानीबाग बहुत अच्छा हो गया, मतलब आप ये है ना अपन को ग्लास से एकदम ईजी ले, जैसे कि देख सकते हो तो ये बैरिकेड्स है। ओके और यहाँ पे सामने कांच लगी हुई है, यहाँ से पूरा खुला दिखता है, ये भी सोया हुआ है और वहाँ पर वो दूसरा सोया हुआ है। ओके देख रहे हो ऐसा लग रहा है सॉफ्ट हो, ये पूरा सॉफ्ट हो लग रहा है, लग नहीं रहा है कि ओरिजिनल है, ऐसा लग रहा है सॉफ्ट हो। और आज भीड़ भी बहुत कम है, देख रहे हो भीड़ एकदम कम है, और सामने ही फ्रंट में देखा आज फ्रंट में ही लाइक टाइगर देख गया सामने, वरना लोग ऐसा वेट करते रहते हैं इधर खड़े रह के, और ये कांच से देखते रहते हैं, वहाँ कोने में बैठा हुआ था ये ना, देख रहे हो एकदम फ्रंट में लेटा हुआ है सामने आके, और ये इसका स्विमिंग पूल है। ओके टाइगर का स्विमिंग पूल है ये, और ऊपर उसको बैठने की जगह है, यहाँ पे स्विमिंग पूल दिया हुआ उसका पूरा, उसके नहाने के लिए जगह दी हुई है बनाकर, और ये भी अच्छा खासा बड़ा है। ओके अभी आगे देखते हैं, हमने देख लिया टाइगर, हमने देख लिया जैकल, हमने देख लिया एलिफेंट, अब हम देखेंगे लेपर्ड। ओके और लेपर्ड के लिए पूरा ऐसा नेट लगाया हुआ है उन लोगों ने ऊपर, क्योंकि वो जंप कर सकता है कैसे भी, इस वजह से लेपर्ड के लिए लगाया हुआ है नेट, और ये है एंट्री लेपर्ड के लिए। तो ये है लेपर्ड देखने के लिए एंट्री, और इधर दो है, एक लेपर्ड है और हाइनिया, तो यहाँ पे हाइनिया है और यहाँ पे लेपर्ड है। ओके तो लेट्स सी, लेपर्ड भी सामने है क्या दूर है, जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं ना वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ही होता है एनिमल। और देखो सामने ही है, ये देखो सामने लेपर्ड। ओके सो दिस इज द लेपर्ड, देख सकते हो एक ही दिखा, अब तक दो है इसमें भी, क्योंकि हर एनिमल दो दो है यहाँ पे, और ऊपर पूरा नेट मार के रखा हुआ है कि ये लोग जंप नहीं करे, वो जा रहा है वो। बैठ गया। ओके तो ये है हाइनिया। ओके और यहाँ पे इसके लिए भी ऐसा बना के दिया हुआ है, दिखते बहुत खतरनाक है वाइल्ड एनिमल। सबसे प्यारा ना रानी बाग के अंदर का एंट्रेंस बनाया है और इंटीरियर बनाया हुआ है, देख सकते हो कितना प्यारा है, मतलब एक फील देता है, एक फॉरेस्ट टाइप का फील देता है, देख सकते हो इधर झाड़ वगैरह ऐसा सब बनाया हुआ है। देख लिया हम लोगों ने लेपर्ड, और हो रहा है बारिश जैसा फुल मौसम, देख सकते हो ऑसम हो रही है, एकदम मजबूत हवाएँ चल रही है, कभी बारिश आ सकती है, हमारा प्लान कैंसिल हो सकता है, और हम कहाँ जा सकते हैं, घर पे जा सकते हैं, तो ऐसा ना हो तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। जिसका डर था वही हुआ, बारिश आ गई, देखो पब्लिक कैसा भाग रही है, बारिश चालू हो गई मजबूत अच्छी खासी, सब भाग रहे हैं। अभी हम देखेंगे स्पॉटेड डियर। ओके अब देखते हैं स्पॉटेड डियर किधर दिखता है हमें,
देखो वहाँ इतने सारे हैं। ओके देखो दिस आर द स्पॉटेड डियर, इतने सारे सब बारिश की वजह से वहाँ रुके हुए साइड में। स्पॉटेड डियर तो देख रही है, अभी हम देखेंगे लास्ट में एक पेंगुइन और थोड़ा बहुत जो दिखता है वो जल्दी जल्दी कवर करेंगे और निकलेंगे क्योंकि अभी थोड़ी बारिश रुक गई है, वरना मैं बारिश में भीग रहा था। ओके भीग नहीं रहा था मतलब खड़ा था साइड में, वरना मम्मी मारेंगे सुन के। ओके तो अभी चलते पेंगुइन की तरफ और लास्ट पेंगुइन वगैरह देखते हैं, जो भी दिखता है वो दिखाता हूँ, बाद में निकलते हैं घर पर। ओके जल्दी जल्दी पेंगुइन की तरफ। ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे पेंगुइन को रखा हुआ है। ओके देख सकते हो हम्बोल्ट पेंगुइन कक्ष। तो अभी हम अंदर एंटर करते हैं, बताता आपको। अंदर सिक्योरिटी बहुत होती है तो शहर से शूट करने नहीं मिले, फिर भी थोड़ा बहुत आपके लिए कर लूँगा। तो ये है पेंगुइन के लिए बना हुआ है ये। ओके तो ये है पेंगुइन्स, इधर तो फ्रंट में एक है सामने, ये देख सकते हो। ये रहा पेंगुइन, जितना पॉसिबल हुआ ना मुझसे शूट करने के लिए मैंने किया, क्योंकि वो लोग ज़रा से भी अलाउड नहीं करते अंदर शूट करने के लिए, लेकिन ख़ास मेरे व्यूअर्स के लिए मैंने शूट किया क्योंकि पिछली बार तो मैं ज़रा से भी नहीं कर पाया था क्योंकि वो लोग ज़्यादा फोर्स करते हैं शूट नहीं करने की वजह से। अब इतना नहीं बोल रहे थे, थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे और फिर हट जाते थे तो कर लेता था, और लोग भी कर रहे थे शूट तो मैंने भी कर लिया। ओके तो अभी चलते हैं, देखते हैं लास्ट क्या मिलता है हमें देखने के लिए, अगर कुछ मिलता है तो देखेंगे वरना सीधा जाएंगे घर पर। ओके हम पिछली बार आए थे ना तो ये बंद रहा था, ये जो लाइट्स देख रहे हो ना आप अंदर, तो अभी खुल गया है तो देखते हैं अंदर क्या है। ओके और देखो ऊपर मस्त बनाया है एकदम, बर्ड्स है। ओके सो यहाँ पे बर्ड्स पैराडाइज बना हुआ है जहाँ पे पिकॉक एंड ऑल है, तो लेट्स सी ये कुछ नया है। पिछली बार आया था तो ये सब बंद रहा था, और वहाँ भी कुछ है तो पहले यहाँ देख लेते क्या है। ये बर्ड्स पैराडाइज है। ओके सो चलते हैं और देखते हैं। ये मालाबार, तो दिस इज मालाबार। ओके देखते हैं यहाँ पर एक, यहाँ पर पैरेट्स है। ओके और क्या चीज़ है देखते हैं। यहाँ पे कोई एक बर्ड है, देखो यहाँ पे कोई एक बर्ड है जो कि कॉकटेल है। यहाँ पे तो बनाया अच्छा, डेकोरेशन अच्छा किया है, लेकिन है कुछ भी नहीं, कोई बर्ड्स बराबर है नहीं। ठीक है तो अभी चलते हैं हम लोग नीचे, यहाँ पे एग्जिट ऐसा बनाया है उतरने के लिए, तो अभी उतरते हैं और यहाँ पे आएगा अभी टर्टल्स। ओके तो पिछले बार भी दिखाया था और इस बार भी दिखाता हूँ, तो ये देखो मेरे सामने अभी आ गया टर्टल सेक्शन, सो दिस इज़ दी टर्टल सेक्शन। ओके सो टर्टल यहाँ पर एक अंदर बहुत सारे टर्टल्स हैं। ओके इतने सारे टर्टल्स हैं, सो ये टर्टल का नाम है इंडियन फ्लैप और फ्लैप। तो टोटल कितने टर्टल हैं अंदर? 12 है, 37 इसके अंदर है। तो इसमें 12 टर्टल्स है और इसके अंदर 37 टर्टल्स है, देख सकते हो। जो यहाँ के इंचार्ज है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 37 टर्टल्स है, देख सकते हो। सब लोग आ गए यहाँ पे एक साथ में। ओके सो आ गया मैं बाहर और जितने एनिमल्स है उतना सब मैंने कवर किया, और सॉरी आज मैं थोड़ा एनर्जेटिक नहीं था क्योंकि बारिश हो गई, इसकी वजह से मूड ऑफ हो गया, और अभी भी देख सकते हो बारिश जैसा मौसम है पूरा।
फिर भी मैं बना रहा था व्लॉग आपके लिए, क्या मेरे को ऐसा था कि मतलब पेंगुइन बच गया था, तो वो मेन मकसद मेरा था कि पेंगुइन दिखाना, तो वो नहीं दिखा था तो मुझे मज़ा नहीं आती थी, इसलिए मैंने वो पहले कवर किया लास्ट में, और फिर जो बचा लास्ट में वो बताया आपको, और अभी ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। ओके, सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग योर लव टू मियां बाई टॉक्स, योर एडमिन अशरफ खान साइनिंग आउट, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहो।